द लेटीच्यूड्स एंड लॉन्गी आर द एमेजनरी लाइन विच आर ड्रॉन ओवर द ग्लोब और यू कैन से द अर्थ इनको तूल बल्थ और अर्ज बल्द भी कहते हैं लेटिच्यूड्स अर्थ बल्द हैं और लॉन्गी बल्द हैं इनको इसलिए खींचा जाता है बिकॉज टू आडेंटिफाई द डायरेक्शंस और यू कैन से द लोकेशन सो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो लेटीच्यूड्स uh, हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं टूवर्ड पोल्स की तरफ और इसमें एक ग्रेट सर्कल है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं इक्वेटर जो है वो ज़ीरो डिग्री है वेयर एज जो अदर लाइंस ऑफ लेटीच्यूड्स हैं विच आर कॉल्ड द पैरल्स वो इस सर्कल के पैरल ड्रॉ किए गए हैं और वो नॉर्थ और साउथ की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं इनका दायरा जो है वो स्मॉल हो रहा है यानी ग्रेट सर्कल से टर्ड पोल्स की तरफ इनका जो आ, रेडियस है लेटीच्यूड्स के दायरा का जो रेडियस है वो स्मॉल हो रहा है वेयर एज जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो आ, उन वो तमाम के तमाम ग्रेट सर्कल हैं देर आर वन एटी ग्रेट सर्कल्स इन लॉन्गिट्यूड्स लेकिन जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं वो थ्री सिक्सटी हैं इनमें प्राइम रेडियम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ज़ीरो डिग्री है इसकी ऑपोजिट जो लाइन है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं सो so, ये प्राइमरीडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन मिलकर एक दायरा बनाती हैं और ये भी तमाम के तमाम जो है लाइनें जो हैं या दायरे जो हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल में कन्वर्ज हो रहे हैं सो रिमेंबर दैट द लाइंस ऑफ लैटीच्यूड्स आर पैरेलल्स विद ईच अदर द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स मीट एट पोल्स लैटीच्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज From the center of the earth to the north and south of the equator, which is a great circle and is zero degree, the north pole is ninety degree north and south pole is ninety degree south. The lines of latitudes become progressively shorter toward the poles, since the distance from the north pole to the south pole is about twenty thousand kilometers, and there are one eighty between them, which is a half circle. The distance in kilometer between each degree of latitude is about one hundred and eleven kilometers, whereas longitudes are measured in degrees to the east and to the west of the zero degree Greenwich meridian. Since the circumference of the Earth is about forty thousand kilometers at the equator, and there are three sixty degrees in a circle, the distance between each degree of latitude. एट द इक्वेटर इज वन 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 और ट्रिपल वन किलोमीटर्स द डिस्टेंस बिटवीन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड हा ईवर बिकम्स प्रोग्रेसिवली लेस टूवर्ड द पोल्स अब आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लेटीच्यूड्स हैं वो टूवर्थ नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं यानी जीरो से टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवनटी एटी एंड नाइन्टी नाइन्टी डिग्री नॉर्थ विच इज़ अप नॉर्थ पोल और उनके साथ जो है वो एन लिख दिया गया बिकॉज के ये नॉर्दन हेमासफियर में डिग्रीज़ मौजूद हैं और ये तमाम जो सर्कल हैं ये इक्वेटर से छोटे होते जाते हैं जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो सेम इज़ द केस विद द सदर्न हेमासफियर कि साउथ पोल की तरफ जैसे अप्रोच हम करेंगे सर्कल छोटे हो जाएंगे उनका मुहित दायरे का मुही छोटा होता जाएगा लेकिन उनकी डिग्रीज़ के साथ एस लिखा जाएगा क्योंकि वो साउथ में वाक़ है सो so, यहाँ पर आप देखें तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिटेल बताई गई है यानी प्राइम मेरिडियन जो है वो ज़ीरो डिग्री है इसके अपोजिट साइड जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है सो so, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन मिलकर एक बड़ा दायरा बनाते हैं तो इसलिए ये तमाम यहाँ पर जो लाइंस ऑफ लॉन्गी हैं वो थ्री हैं लेकिन ग्रेट सर्कल यहाँ पर वन हैं अब जैसे हम ज़ीरो डिग्री प्राइम रिडियन से टुवर्ड ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इनमें डिग्रीज़ में इजाफा होता जाएगा जैसे टेन ट्वेंटी डिग्री थर्टी डिग्री ईस्ट बिकॉज वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम प्राइम रेडियन टूअर्ड द ईस्टर्न साइड एंड अगेन अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो डिग्रीज़ में इजाफ़ा होता जाएगा और साथ साथ जो है उनके हम वेस्ट लिखेंगे बिकॉज़ वी आर अप्रोचिंग टूव द वेस्टर्न साइड ऑफ द एरिया सो यहाँ पर आपको जो है वो दोनों एंड लेटीच्यूड्स के बारे में डिटेल से बताया गया है तो दिस इज़ कॉल्ड अ ग्रेटिक्यूड अ नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लेटीच्यूड सो इस तरह से हम किसी भी मुल्क के बारे में या जगह के बारे में जानना चाहेंगे कि वो कहाँ पर वाक़ है तो उनको हम नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के रेफरेंस से उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे Now these lines help us to locate where we are or where any particular place is located. Like here, we have a best example of 40 degree north and 30 degree west. So, when we have to see that 40 degree north and 30 degree west, yani in other words, 40 degree north and 30 degree west ek की लोकेशन है का महल वकू है उसको जानने के लिए हम फिर डिग्रीज़ का सहारा लेंगे कि वो वेस्ट की तरफ है एक तो प्राइम मेरिडियन से और दूसरा वो नॉर्थ की तरफ है इक्वेटर से सो दिस इज़ एक्चुअली द स्पिरिट टू नो अबाउट द लाइटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ एनी लोकेशन सो इस रेफरेंस से हम ये कह सकते हैं कि तूल और अल्ज के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है दिस स्लई शोज द मैप ऑफ द पाकिस्तान सो हेयर वी कैन एक्सप्लन द लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पाकिस्तान आप यहाँ पर देखें कि ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर है ये ट्रॉपिकसर मीन्स ये नॉर्थ में ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री पे मौजूद है क्वेटर से नॉर्थ की तरफ लिहाजा पाकिस्तान जो है इससे थोड़ा सा ऊपर जो है स्टार्ट होता है जो कि राउंड अबाउट ट्वेंटी फोर डिग्री नॉर्थ है ये वाला एरिया सो so पाकिस्तान का जो साउथ है विच इज़ एक्चुअली द सदर्न पार्ट ऑफ द सेंथ प्रोविंस सो ये नॉर्थ में कहाँ तक जाता है नॉर्थ में ये ये वाला एरिया है पाकिस्तान का जो कि नॉर्दर्न एरिया या जिसको आज कल हम गिलगिल बल्तिस्तान प्रोविंस कहते हैं और इसकी जो लोकेशन है एक्सट्रीम नॉर्थ पाकिस्तान की वो 37 डिग्री नॉर्थ है सो so, पाकिस्तान के लेटीट्यूड जो हैं वो ट्वेंटी से थर्टी सेवन डिग्री नॉर्थ के दरमियान वाक़ हैं वेयर रैज़ जो लॉन्गी हैं वो पाकिस्तान के ये जो वेस्टर्न साइड है जिसे हम बलूचिस्तान का प्रोविंस का एक्सट्रीम वेस्ट है वहाँ से ये पाकिस्तान स्टार्ट होता है तो ये सिक्सटी वन डिग्री ईस्ट पे हम ये देखते हैं कि ये पॉइंट वाक़ है वेयर रैज़ जो एक्सट्रीम पाकिस्तान का लॉन्गीट की लोकेशन का पॉइंट है दैट इज़ टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द पाकिस्तान और विच इज़ अगेन द गल गतलिस्तान और द नॉर्दन एरिया ऑफ द पाकिस्तान तो ये आलमोस्ट 77.5 सेवन पॉइंट फाइव डिग्री ईस्ट में वाक़ है तो पाकिस्तान जो है इसका मतलब है कि सिक्सटी वन से ले कर सैवनटी सेवन पॉइंट सम थिंग ईस्ट पर मौजूद है और दिस इज़ एक्चुअली द जोग्रफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान सो विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिटूड एंड वी कैन एक्सप्लन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द कंट्री और एनी सिटीज और एनी लोकेशन लैटिच्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में एक और अहम बात जो यहाँ कहनी बहुत ज़रूरी है और वह हैं सर्कल्स एंड ट्रॉपिक्स सो उसमें आप अगर ग्लोब को हम देखते हैं तो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सर्कल ड्रा किए हुए हैं टूडेंटिफाई द एगजैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस इसमें ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर एट ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे वाक़ है वेयर एज़ ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन वो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ में वाक़ है जबकि सर्कल ऑफ आर्कटिक एंड एंटार्कटिक वो सदर्न पोल और नॉर्दर्न पोल के करीब वाक्य हैं सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक सर्कल है वेयर एज़ एंटार्कटिक सर्कल जो है वो सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ पे वाक़ है